इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, पत्नी का पत्नी से खूब प्रेम करना, लेकिन पत्नी के प्रेम में इतने मत भूल जाना कि माता पिता के हृदय को दुखाओ। भागवत यही सिखाती है, माता पिता का खूब सम्मान करना। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जो संतान माता पिता की सेवा नहीं करती, माता पिता की आज्ञा को नहीं मानती, अगर वो गंगा स्नान करती है तो वो संतान जीते जी अपने माँ बाप की हत्या कर रही है। और जिस परमात्मा की मैं कथा कहने आया हूँ, ये परिवार यहाँ करा रहा है, वो परमात्मा न मैंने देखा न आपने देखा, लेकिन वो है। कौन है, कहाँ है, आइए विचार करते हैं। माँ के समान समर चेतन को कोई गुरु नजर नहीं आया, माँ के समान याधार को कोई प्रभु नजर नहीं आया। हम भी यहाँ भगवान की कथा कह रहे हैं, माँ की कृपा से, माँ के संस्कारों से, माँ की आज्ञा जब जीवन पर हुई कृपा, तो जीवन में सद्गुरुओं का प्रवेश हो गया। सद्गुरुओं ने कृपा की तो परम आराध्य माँ के बिहारी ने श्रीमद् भागवत के संवर्धन की जिम्मेदारी इस शरीर को सौंप दी। और माँ सबके होती है विश्राम, सुनील भैया माँ माँ होती है। जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता, माता से है सब कोई नाता। बेटा के लाड प्यार में अपना सुख चैन भुलाया, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। पक्षियों को ध्यान में रख लेना, एक जो चाहो भव सागर करना, तो जन्मी की सेवा करना, मां के बचन ही जे में रखना। हाँ, जो चाहो भव सागर करना, तो माता की सेवा करना, मां के बचन ही जे में रखना। और माता के संस्कार ने सुतनी जगमीन बनाया, माँ के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। भाइयों, माँ पृथ्वी से बड़ी है, पिता आकाश।